इस तरह की अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है, और ये फैब्रिक यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 3 मीटर लिया है और 1.5 मीटर की इसकी अर्ज है, लेकिन टोटल हमें यहाँ पर 3 मीटर का फैब्रिक नहीं लगने वाला है, इसमें हमें सिर्फ 2 ही मीटर लगने वाला है। अभी इसको सेट किस तरह से करना है, इसके लिए देखिए कपड़े को हम किसी भी एक साइड से ओपन करके रखेंगे, सीधा साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और डबल में इस तरह से सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके लिए कपड़े को हमें लंबाई में चाहिए होगा और प्लस हमारा जो बॉडी मेजरमेंट में चेस्ट का साइज है उसमें 4th पार्ट लेना है, प्लस उसमें 2 इंची ऐड करते हुए। तो आप देखिए मैंने इस तरह से इसको डबल में सेट कर लिया है। टोटल लंबाई हमारी चोली की जो तैयार रहेगी 12 इंची रहेगी, तो 1 इंची एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इस पर मार्किंग लगा लेनी है चोली की लंबाई का। यहाँ पर इसको हम 4 फोल्ड में रखेंगे। चेस्ट साइज आपका जो भी हो उसका 4th पार्ट लीजिएगा, प्लस यहाँ पर 2 इंची ऐड करते हुए जो कि सिलाई मार्जिन होगा, इस तरह से रखते हम इसको सेट कर लेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप कपड़े को सेट कीजिएगा। टोटल लंबाई हमारी यहाँ पर 13 इंची लेंगे, 1 इंची हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अभी देखिए हमने पूरा मेजरमेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रॉक की पूरी लंबाई हमारी रहेगी 41 इंची, चोली की लंबाई तैयार 12 इंची रहेगी, सीना हमारा 32 है, कमर 27 है, आस्तीन हमारी 17 इंची की लंबाई में है और मोरी हमारी 4 इंची की है। पीछे का और सामने का अगर जो गला रहेगा वो हमारा 5.5 इंची रहेगा। तो इसी तरह से हम इसकी पूरी मेजरमेंट लगा लेंगे, और यहाँ पर मैंने अपना मेजरमेंट लिया है। आप जब मार्किंग करेंगे तो आप अपने मेजरमेंट के अनुसार यहाँ पर कीजिएगा। तीरा हमने यहाँ पर 6 इंची लिया है, आर्म होल भी 6 इंची लिया है क्योंकि हमारा जो गला है वो ज़्यादा डीप नहीं है। तो इस तरह से देखिए आर्म होल का शेप लगाते हुए हमने चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया, 2 इंची हमने मार्जिन ले लिया, टोटल हमारा 10 इंची हो गया। सेम इसी तरह से कमर 28 है, उसको हमने 4 से डिवाइड कर लिया, 7 इंची, 1 इंची हमने टक्स के ले लिया, 8 इंची हो गया, प्लस 2 इंची हमने मार्जिन ले लिया, टोटल हमारा 10 इंची हो गया। सेम मार्किंग पे हमने इसकी कटिंग कर ली है, और अभी देखिए ये जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया है। इस वाले पार्ट्स में हमें अभी ऊपर से 1/2 इंची शोल्डर डाउन करना है, और यहाँ से देखिए हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंची ले ले रही हूँ, लंबाई हम 6 इंची लेंगे, तैयार होने के बाद में 5.5 इंची आएगा, और यहाँ पर गले का जो शेप है मैं सिंपल राउंड नेक लगा ले रही हूँ। 1/2 इंची हम आर्म होल की साइड से अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की थी वो हमने फ्रंट पार्ट पे इस तरह से कटिंग कर दी है, और यहाँ से देखिए टक्स का पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर मार्जिन लगा लिया है, 1 इंची का हमारा यहाँ पर टक्स के पॉइंट के लिए लिया है, बाकी 2 इंची हमारा मार्जिन हो गया। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, उनको एक साइड रख दिया है। अभी कपड़ा हमारा इसी तरह से डबल में रखा हुआ है, यहाँ पर हमें नीचे के घेरे की कटिंग करनी है। इसकी अर्ज ज़्यादा है तो हमें कुछ और नहीं करना होगा, डबल में किसी भी एक फोल्ड से आप यहाँ पर इसको ट्रायंगल में सेट कर लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रायंगल में सेट कर लिया है, और जो हमारे यहाँ पर फ्रॉक हमने अपर पार्ट कट किया है उसका कमर के साइड से जो भी आपका कमर का रेडी साइज आ रहा हो उसमें 1 इंची प्लस करते हुए आप इस तरह से मेजर कीजिए। तो देखिए मेरे यहाँ पर डबल में 8 इंची आ रहा है, इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब जितना हमारा एक साइड आया है इतना ही हमारा दूसरी साइड आएगा, हल्का सा गुलाई देते हुए इस तरह से शेप डाल देंगे। तो यहाँ से हमारे जो कमर है वो कमर की यहाँ पर निकल आती है घेरा। अभी देखिए टोटल लंबाई हमारी चोली की 12 इंची है, 12 इंची हमने ऊपर की तरफ रखा है और टोटल लंबाई 41 इंची है। तो इस तरह से इंची टेप को 12 इंची छोड़ते हुए जो हमने मार्क किया है गुलाई वाला कमर की साइड से, पूरे इंची टेप को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर राउंड में हम शेप लगा लेंगे। तो ये हमारी टोटल लंबाई आ जाएगी घेरे की। तो इस तरह से निशान जो हमने लगाए हैं इसको इस तरह से मिला लेंगे और यहीं पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे घेरे की भी कटिंग हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी ईजी तरीके से मैंने आपको इसकी कटिंग बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा इतना कम पड़ा है, अभी कपड़े को हम इस तरह से सेट करेंगे कि हमारा जो नीचे का घेरे में जॉइंट है वो हमारा इजीली यहाँ पर लग जाए। तो आप देख सकते हैं जितना हमारे यहाँ पर लेंथ में कम पड़ रहा है वहाँ से हम नीचे की तरफ से मिला के रखेंगे, और देखिए बराबर की साइड से हम इस तरह से मिलाएंगे, और जहाँ से हमारी इसकी जॉइंट आ रहा है यहाँ पर 1/2 इंची मार्जिन लेते हुए जो कि हमें सिलाई में ऐड करना होगा, इस तरह से मैंने मार्क लगा लिया है। नीचे की साइड से जितना भी हमारा गुलाई वाला शेप है सेम मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से देखिए 1/2 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है जो कि अभी हमारे सिलाई में जॉइंट होने में जाएगा, यहाँ से मार्क कर लिया है, इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो दोनों जॉइंट है ये हमारे दूसरे पार्ट्स में जॉइंट हो जाएंगे जहाँ पर हमारी लेंथ कम हो रही है। तो अम्ब्रेले घेरे की जब हम कटिंग करते हैं ना तो वहाँ पर हमारा जॉइंट आता ही है, और यहाँ पर हमने कटिंग इस तरह से की है कि हमारा 1.5 मीटर का जो अर्ज है उसमें हमारा कम कपड़े में भी इजीली निकल आए। तो यहाँ पर ये हमारा जॉइंट है, तो यहाँ से दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। सेम इसी तरह से ऊपर वाला जो हमारा घेरा है इसमें भी ये जॉइंट है, तो यहाँ से भी हम अलग कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप इसके नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या आप स्टिच करना पसंद करते हैं या फिर आपको मेरे समझाने का बताने का तरीका कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए जॉइंट हमारा हो जाएगा, दोनों पार्ट्स में हम एक एक जॉइंट को लगा देंगे। अभी देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, 20 सेंटर से हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर दोनों साइड से 3.5-3 इंची का हम मार्क करेंगे और 4 इंची की लंबाई पे हम यहाँ पर इसमें टक्स की जो प्लीट्स डालेंगे उसके मार्किंग कर लेंगे। तो प्लीट्स की जो चौड़ाई है वो 0.5 इंची से ही कम लेना है हमें, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हैवी साइज नहीं है। अभी देखिए ये जो फैब्रिक बचा है ना इसमें से हमें स्लीव निकालनी है। स्लीव को निकालने के लिए भी कपड़े को हम इस तरह से डबल में रखेंगे और डबल में रखने के बाद में यहाँ पर अम्ब्रेला स्लीव हमें निकालनी है डबल में। तो देखिए टोटल हम इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पर और 12 इंची की लेंथ में मैं इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ। अभी 1 इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा, 0.5 इंची सिलाई ऊपर मार्जिन ऐड कर देंगे और 0.5 इंची हम नीचे की साइड में। फिर हम इसको डबल में इस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव निकालते हैं, सेम इसी तरह कपड़े को सेट करेंगे। यहाँ पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे, 2 से 2.5 इंची हम इस तरह से मार्क लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव का शेप डाल देंगे। मोहरी हमारी यहाँ पर 4 इंची तैयार रहेगी, 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है और सेम मार्किंग पे हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग भी हो जाती है। अभी कटिंग करना हमें जो स्लीव का जो हमारा घेरा होता है बीच से जो कट होता है वो, तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें मार्क कर लिया है और यहाँ पर हमारा बीच का जो सेंटर है वो हमने निकाल लिया है। मोहरी को हमें डबल से फोल्ड करना है और उसका सेंटर निकाल लेना है। ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसी से ही अम्ब्रेला जो घेरा है वो हम निकालेंगे। देखिए इस तरह से कपड़ा हमारा डबल में था तो यहाँ पर हमने 2 में फोल्ड किया, एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 8 लेयर हो गई। और मोहरी का हमने इस तरह से डबल रखा है, किसी भी एक कॉर्नर से हम इसको सेट कर लेंगे यहाँ पर मोहरी वाली साइड से। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और अब हम यहाँ से इसकी लेंथ को चेक कर लेंगे। अगर आप इसको लेंथ ज़्यादा चाहिए होगी आपको घेरे की तो आपको यहाँ पर ये कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो देखिए इस तरह से गोलाई में हम शेप डाल देंगे और यहाँ से सेम मार्किंग पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे घेरे की कटिंग हो जाती है और ये हमारे यहाँ पर 4 पीस हमें मिलकर तैयार हुए हैं। तो 2 हमारे 1 स्लीव में आएंगे, 2 हमारे 1 स्लीव में आएंगे और बीच से हमारे यहाँ पर कट आ जाएगा। तो ईजिली मैंने आपको इस तरह की कटिंग करना बता दिया है। तो आप देख सकते हैं सारी हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, आ चुके हैं हम मशीन पर। ये है हमारा स्लीव का पार्ट्स, तो स्लीव के पार्ट्स को हम ये एक साइड रख देते हैं और सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ पर घेरा। तो घेरे को हमें जॉइंट करने के लिए देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको अभी एक साइड रख देते हैं, इसको हम बाद में तैयार करेंगे। तो घेरे में हमारे ये दोनों जॉइंट है ना इसको हमें लगा लेना है। देखिए सीधी साइड इस तरह से रखेंगे अंदर की साइड रखते हुए और एक पार्ट कोई सा भी एक पार्ट ले लेंगे और यहाँ पर 0.5 इंची के मार्जिन से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ बराबर मिला के रख लिया है और हमारा पूरा घेरा यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगने के बाद में तैयार हो चुका है। और इसके बाद में नीचे से हमारा जो राउंड वाला हिस्सा है उस पर हमें इसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा घेरा आ रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट है। नीचे वाले घेरे में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। आप सिलाई लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे इसको और डबल में इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपको ये घेरा एक बार में नहीं फोल्ड हो रहा है तो आप पहले 1 लेयर को फोल्ड कीजिए और 1 पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप इसको डबल में फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इजीली हो रहा है इस तरह से, क्योंकि ओरेब भी हमारा कपड़ा होता है तो यहाँ पर हमें सिलाई लगाने में दिक्कत होती है, बिगनर्स के लिए दिक्कत होती है खासकर, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस तरह से डबल में ही फोल्ड करके दिखा दे रही हूँ। बहुत फिनिशिंग से हमारी यहाँ पर सिलाई लग के तैयार हो जाती है और दोनों ही पार्ट्स को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए एक पार्ट हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट्स आ गया। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट्स है, इसको भी हम लेके तैयार कर लेंगे। नीचे से घेरा हम इसका तैयार कर लेंगे और ये देखिए यहाँ से हमें साइड की फिटिंग लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से तैयार करने के बाद में दिखाती हूँ। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और अब ले लेते हैं हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह से प्लीट्स लगा लेनी है। एक प्लीट्स हमारी लग गई है, सेम इसी तरह से दूसरी प्लीट्स को भी लगा लेंगे।
और गला इसका चाहें आप तो बुकरम से भी बना सकते हैं या आप चाहें तो पाइपिंग से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बिना बुकरम के बिना पाइपिंग के इस तरह से जो हमारा ऊपर की साइड से कपड़ा बचा था उसी को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा के इसको तैयार करूँगी। तो इसको भी आप बहुत ईजिली बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कपड़े को हमने नीचे की साइड में रख लिया है और जो हमारा गले का शेप है इस तरह से रखते जाएंगे, कपड़े को सेट करेंगे और एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो भी हमारा अंदर का कपड़ा होगा एक्स्ट्रा वो हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरह से मैं तो कल ज़्यादातर जो गले बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ। बाद फिनिशिंग के साथ में हमारे गले बनके तैयार होते हैं और फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आती है। देखिए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर दी है, गुलाई वाले हिस्से में छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे और जो भी हमारा कपड़ा होगा जितना हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना होगा, आधा इंची अंदर की साइड में फोल्ड करना होगा उतना छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद में इसको अंदर की साइड में हम इस तरह से टर्न कर देंगे। तो यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा देंगे जिससे कि कपड़ा जो है वो हमारा अंदर की तरफ सेट हो जाएगा फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ पूरे गले पे हमारी इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अभी जो अंदर की साइड में हमारा कपड़ा है इसको भी हम फिनिशिंग से पलट के इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ के लिए कपड़ा और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें तुरपाई करने में भी आसानी होगी। सेम मेथड से हम बुकरम का गला बनाते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बिना बुकरम के फिनिशिंग के साथ में गला बना के तैयार करके बताया है। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको पाइपिंग से गला हम किस तरह से बनाते हैं, रेडीमेड गला किस तरह से बनाते हैं, बुकरम से गला हम किस तरह से बनाते हैं, आज की वीडियो में मैंने आपको इस तरह का गला बनाना बताया है। तो देखिए पूरा गला हमारा बनके तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से हमारा जो बैक पार्ट है उसको भी हम तैयार कर लेंगे टक्स लगाने के बाद में। तो यहाँ देखिए मैंने गले पीछे का जो बनाया है पाइपिंग के साथ में बना के अटैच किया है। इसके शोल्डर हमें जॉइंट करने हैं तो शोल्डर को हम इस तरह से रखेंगे, फ्रंट पार्ट उसके ऊपर रखेंगे और जो पाइपिंग पट्टी है हमारे बैक पार्ट की उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे, पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई को लॉक कर देंगे। अगर इस तरह से आप शोल्डर जॉइंट करते हैं तो हमारे जो शोल्डर है उसकी भी फिनिशिंग परफेक्ट आती है और जो हमारा गला है वो भी फिनिशिंग के साथ में बन के तैयार होता है। तो अभी देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर से पाइपिंग वाले बैक पार्ट में। देखिए एक साइड से शुरू करेंगे, जो हमारा पाइपिंग वाला हिस्सा है उसको इस तरह से रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो गले का लुक होता है ना वो फिनिशिंग के साथ में आता है और बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आता है। अगर आपको यहाँ पर इसको बनाने में दिक्कत आती है तो मैं डिटेल वीडियो आपके साथ में शेयर किया है मैंने, और अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार नेक्स्ट टाइम फिर से डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी जो कि आप मुझे कमेंट करेंगे तब। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे गले पे इस तरह से सिलाई लगा दी है, सिलाई को लॉक कर दिया है, धागा कट कर दिया है, फिनिशिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी। अभी मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट दोनों तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हमने घेरा ले लेना है और कमर की साइड से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर आधा इंची का मार्जिन लेते हुए दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो घेरे को और हमारे जो पार्ट्स है अपर पार्ट्स उसको मिला के रखना है, सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रखनी है और कोई भी पार्ट्स हमें खींचना नहीं है क्योंकि नीचे का जो घेरा होता है वो हमारा अम्ब्रेला में होता है और ज़रा सा भी हम खींचेंगे तो वहाँ पर झोल आ जाएगी जो कि देखने में काफ़ी गंदी लगती है। तो बराबर मिलाते हुए रखेंगे यहाँ पर और आधा इंची के मार्जिन से इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा घेरा यहाँ अटैच हो चुका है। सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट्स में भी घेरे को अटैच कर लेंगे, इसी तरह से रखेंगे यहाँ पर और दोनों ही पार्ट्स को हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ देखिए दोनों ही पार्ट्स हमारे अटैच हो चुके हैं, बराबर मिला के इस तरह से रखेंगे और अब लगानी है हमें यहाँ पर फिटिंग का मार्क। तो मैंने यहाँ पर दो दो इंची मार्जिन लिया था, आपने जितना भी मार्जिन लिया हो उस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कीजिए। तो मैंने चेस्ट साइज पर यहाँ पर दो दो इंची मार्जिन लिया था, दोनों साइड से हम दो दो इंची का मार्क लगाएंगे इस तरह से और दोनों निशानों को मिला देंगे। कमर की साइड से हल्का सा हम शेप लेते हुए इस तरह से नीचे की तरफ मिलाएंगे और यहाँ पर आप अगर स्टेप लगाना चाहते हैं तो जो हमारा कमर की साइड पे फिटिंग का जो हमारी जॉइंट आया है यहाँ पर आप डोरी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोरी बना के पहले ही तैयार कर ली थी और मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है और वो वीडियो यहाँ पर मिस हो गई है। तो आप नॉर्मली वीडियो आप यहाँ पर इस तरह से स्टेप लगा सकते हैं और नीचे तक हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो नीचे की साइड में हमें सिर्फ आधा इंची का मार्जिन लेना है और नीचे तक हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम इस तरह से रखेंगे।
और पूरे ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। बीच में स्टेप आप लगाना चाहें तो आप रख सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आप ऊपर से भी बेल्ट लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर इसका लुक इन्हेंस हो जाएगा, डोरी से भी और बेल्ट से भी। तो देखिए, इस तरह से मैंने डोरी यहाँ पर रख दी है बेस सेंटर में, और पूरी सिलाई लगा के हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से हमारा पूरा जो फ्रॉक है वो तैयार हो गया है। रह गई है हमारी यहाँ पर स्लीव, तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से है। नीचे से आप इसका घेर भी देख सकते हैं, और अभी हमें यहाँ पर तैयार करनी है इसकी स्लीव। तो स्लीव को भी बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ये हमारा स्लीव का मेन फैब्रिक है, और ये हमने जो घेरा कट किया था, आप सोच रहे होंगे दो घेरे मैंने यहाँ पर क्यों कट किए हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है, और बहुत इजी तरीके से आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। कटिंग तो मैंने आपको बताई ही है किस तरह से। देखिए, डबल में फोल्ड करते हुए दोनों पार्ट्स के बीच का सेंटर जो है ना, हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। कटिंग और स्टिचिंग का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोनों हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिए हैं। अभी देखिए, यहाँ से जो घेरे वाला साइड है उसको भी हमने, जैसे घेरा हमने फोल्ड किया था डबल करते हुए, इसी तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पीको नहीं किया है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर नॉर्मली सिलाई लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सिलाई मशीन है, पीको मशीन नहीं है। हर किसी के पास सिलाई मशीन ही होती है, पीको मशीन नहीं होती है, और इतना टाइम नहीं होता है कि मार्केट से जाके आप कराएं। लेकिन अगर आपके पास पीको मशीन है और मार्केट में आप जाके करा सकते हैं, तो यहाँ पर आप पीको भी करा सकते हैं। दोनों ही घेरे को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, और जो हमने दो पार्ट तैयार किए थे वो हमारे जॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बीच का जो कट है ना, वो हमारे यहाँ पर सिलाई में आ चुका है। अब इसको अटैच किस तरह से करना है, देखिए, दोनों पार्ट्स में जिसमें जॉइंट था वो धागा हमने कट कर दिया है। स्लिप को ले लेंगे, स्लिप का हमारा जो सेंटर है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, और देखिए जो हमारा मोरी वाला साइड है वहाँ से हमारा इस तरह से कट आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें इसको रख लेना है, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों ही पार्ट को हमें इस तरह से अटैच करना है कि जो हमारा जॉइंट है ना वो बीच सेंटर पे हमारे कट से मिल गया है। तो ये जो हमारा जिस तरह से कट आ रहा है ना, ये बीच में हमारे फ्रंट में आएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी स्लिप से सिलाई लग चुकी है। अभी यहाँ पर आप फिटिंग का मार्क लगा सकते हैं। तो मेरी फिटिंग के मार्क जो भी है वो मैं इस तरह से मार्क कर ले रही हूँ आर्महोल की साइड से। मोरी हमारी यहाँ पर 4 इंच की है, तो आपका जो भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्क कीजिएगा, और उस हिसाब से इस पर सिलाई लगाइएगा। तो बहुत ईजी तरीके से हमारी कम कपड़े में कम मेहनत में डिजाइन फ्रॉक बन के तैयार हो जाती है। आप इसको अम्ब्रेला फ्रॉक भी बोल सकते हैं, आप अगर इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं तो गाउन भी बोल सकते हैं। जो भी बोलें आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फ्रंट की स्लीव की जो छाट है वो मैंने नहीं लगाई थी, यहाँ पर लगा दी है। जो भी कपड़ा हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। स्लीव को हम यहाँ पर सीधा करेंगे, और मैं स्लीव जो लगाती हूँ वो राउंड में लगाती हूँ। तो इस तरह से रखेंगे, और सीधी साइड हमारी स्लीव के अंदर की तरफ जाएगी, उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरह से रखते हुए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी स्लीव को हम यहाँ पर राउंड में लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्लीव लगा के दिखा दे रही हूँ, सेम मेथड से हमें दूसरी स्लीव भी लगा देनी है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको हर एक बार स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव बनके तैयार हो चुकी है। फाइनली हमारी जो फ्रॉक है वो कुछ इस तरह से दिखने वाली है, सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फाइनली हमारी फ्रॉक कुछ इस तरह से दिखने वाली है। फिनिशिंग आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, और स्लीव जो है वो हमारी कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अभी मैं आपको डमी पर डाल के दिखा रही हूँ कि डमी पर डालने के बाद भी इसका लुक किस तरह से आ रहा है। नीचे से इसका घेर कुछ इस तरह से है। फिनिशिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, जॉइंट जो है वो हमारा नीचे की साइड में आ चुका है, और जो मैंने स्लीव लगाई थी वो साइड से इस तरह से आ जाएंगी। मुझे सबसे ज्यादा प्यारा इसका स्लीव का जो ये लुक है ना, ये लग रहा है। आपको कौन सा यहाँ पर इसमें जो डिजाइन है वो प्यारा लग रहा है, मुझे जरूर बताइएगा आप कमेंट करके, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको डमी पे डाल के दिखाती हूँ। तो डमी पे डालने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखिए। अभी इसकी अगर आप लेंथ बना देते तो फिर ये फ्लोर लेंथ में बन जाता, गाउन बन के तैयार हो जाता, लेकिन मैं इसको गाउन नहीं बोलूंगी, मैं इसको फ्रॉक ही बोलूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करते जाइएगा और कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।